हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 चल रहा हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और आज है इसकी हमारे पास थर्ड क्लास। पहली दो क्लासेस के अंदर हमने देख लिया था कि फाइनेंस क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, और लास्ट क्लास के हमने देखा था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और कैसे चार तरीकों से हम पैसा रिस्क कर सकते हैं, पब्लिक से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, एम्प्लॉय से, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से। आज जो बच्चों को टॉपिक पढ़ना है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ना है, दैट इज हमको आज पढ़ना है किसके बारे में, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फटाफट से शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, ये एंजल इन्वेस्टर कौन है? बच्चों नाम से पता लग रहा है एंजल कौन होता है। कौन होता है एंजल? जो आप मुसीबत में हो और आपकी वो मदद करने आ जाए, जिसके ऊपर पंख लगे होते हैं, जिसके ऊपर गोला बना होता है, इमेज आ रही है? हाँ, तो वही एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? वो बड़े लोग होते हैं। कौन होते हैं? वो बड़े लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जिनके पास होता है भरपूर पैसा। ठीक है, उनके पास भरपूर पैसा होता है, भरपूर एक्सपीरियंस होता है, और वो बिजनेस में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। स्टार्टअप के अंदर क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? एंजल इन्वेस्टर। तो क्या दे रखा है? बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर, तीनों एक ही नाम है। ये बड़े लोग होते हैं, एफ्लुएंट इंडिविजुअल होते हैं, जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, स्टार्टअप को, या ये कह लो अर्ली स्टेज कंपनी को, जो कंपनी बस अभी शुरू ही हुई है, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, हाई रिटर्न मैट्रिक्स होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ भाई जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न होने के चांसेस है, और बदले में वो क्या ले लेते हैं? कन्वर्टेबल डेट या फिर इक्विटी ले लेते हैं। अब इक्विटी का मतलब क्या? उन्होंने शेयर होल्डर ले लिया। या कन्वर्टेबल डेट कहना मतलब क्या? उन्होंने लोन दिया है, चाहते तो बाद में वो शेयर्स ले सकते हैं उसके बदले में। ठीक है ना? तो एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो बड़े लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं। यहाँ पे जाना कि मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? ओके। अब इसके नीचे उन्होंने आगे दे रखा है क्या? फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्ट। फीचर ऑफ एंजल इन्वेस्ट पे उन्होंने क्या बोला है? देखो तो सबसे पहले ये है ना, आपको मदद करते हैं। क्या? अगर आपको बिजनेस में पैसा चाहिए होता है तो पहले आप खुद का लगाते हो, या अपने घर वालों से लेते हो, या फिर अपने दोस्तों से लेते हो। इनकी कमी पूरा करने के लिए क्या आ गए हैं? एंजल इन्वेस्टर्स आ गए हैं। कि अगर आप घर से पैसा नहीं ले पा रहे हो, दोस्तों से पैसा नहीं ले पा रहे हो, तो एंजल इन्वेस्टर आपकी आगे क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो क्या दे रखा है? दे फिल द गैप इन स्टार्टअप फॉर अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये आपको क्या देते हैं? सीड फंडिंग देते हैं। सीड फंडिंग का मतलब क्या होता है? एक बीज, जब पेड़ जब बनता है तो एक बीज से तो पेड़ बनता है, है ना? तो पेड़ तो बहुत सालों बाद बनता है, लेकिन बीज क्या? उसकी शुरुआत। तो आपको क्या देता है? सीड कैपिटल देता है। ठीक है, इसलिए इसको ना शॉर्ट में क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स फैमिली एंड फूल्स, इसका एक शॉर्ट फॉर्म इन्होंने बना रखा है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब इन्होंने क्या दे रखा है? मेन फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से याद करना। तो देखो सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, या तो करंटली काम कर रहे हैं, या फिर रिटायर हो चुके हैं, या फिर ये बिजनेस ओनर होते हैं, या फिर ये कह लो वो ऐसे लोग हैं जिनकी जो जेब है वो बहुत ज्यादा भरी हुई है। इनके पास पैसे भी है, लेकिन इनके संग संग इनको नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है, और ये आपको बिजनेस चलाना और बनाना सिखाते हैं कि किस तरीके से आप मार्केट लेवल पर, एग्जिस्टिंग लेवल पर चल सकते हो। कुछ लोग एंजल इन्वेस्टर के पास इसलिए जाते हैं कि उनका वो एक्सपीरियंस ले सके। पैसों की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ जाओगे, इसलिए उसके पास जाते हैं। क्लियर? आगे क्या दे रखा है? एंजल इन्वेस्टर बी एक्सट्रीमली हाई रिस्क। मतलब ये वो ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं नॉर्मली जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, चांसेस या तो बहुत ज्यादा कमाएगा या बहुत जल्दी से डूबेगा। तो बहुत ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, और आगे चल के वो क्या करते हैं? अपने कंट्रोल को वो डायल्यूट कर देते हैं। कंट्रोल को डायल्यूट करने का मतलब क्या है? जैसे आपने मान के चलो अभी एंजल इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया और आपको क्या दे दिया? आपने उनको शेयर दे दिया। अब आगे चल के क्या करते हैं? जब आपको और पैसे की जरूरत होती है ना, तो ये अपना जो शेयर है उसको वो बेच देते हैं। जिससे आप, जिससे मान के चलो आपने मुझसे 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, आपने मेरे को मान के चलो 20% के शेयर्स दे दिए। अब कल को आप किसी और से पैसे लेने जाओगे तो मैं क्या बोलूंगा? एक काम करो, मेरे 20% शेयर उसको दे दो, मुझको मेरे पैसे दो, मैं निकल रहा हूँ। ये बात समझ में आई? तो वो क्या कर सकते हैं? बाहर भी निकल सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? उनको पैसा बहुत चाहिए भाई, वो रिस्की बिजनेस में पैसा लगा रहे, तो उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट ज्यादा ही चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, क्या पैसे लाने के वो और भी कुछ करते हैं? यस, वो आपको एडवाइस देते हैं सामने से आके। अब
वो गाइडेंस देते हैं, इंडस्ट्री में किससे मिलना है किससे मिलाना है वो बताते हैं, और मेंटरिंग करते हैं कि हमें कैसे आपको बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मेन का इनका ए बॉय ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको बहुत बड़ी कंपनी बना, क्या बोला, बहुत बड़ी कंपनी बनानी है जिससे कस्टमर को वैल्यू दे सके और साथ साथ खुद भी ज्यादा पैसा कमा सके। ध्यान रखना, आप पैसा तभी कमा सकते हो जब सामने वाले की मदद कर रहे हो। सामने वाला खुशी खुशी पैसा देगा तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाओगे। लास्ट का दे रखा है, उनका मेन फोकस चीज की होता है करंट डेवलपमेंट, होता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो अभी की चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मेंटोर करते हैं जिससे आप अभी का मौके का फायदा उठाए और अपने आपको आगे बढ़ाए। उनका एक्सपीरियंस इतना होता है, वो देख लेते हैं, परख लेते हैं कि हाँ भाई किस चीज की ज्यादा जरूरत है, किस चीज कम जरूरत है, और उसी चीज को आप वो हिट करते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज एंजल इन्वेस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो एमसीक्यू बन सकता है वो क्या बन सकता है कि आप बड़े लोगों के पास पैसे लेने जाते हो तो उन बड़े लोगों को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, एंजल इन्वेस्टर। इनके फीचर क्या हो सकते हैं, फीचर आ सकते हैं आपके पॉइंट्स में, तीन नंबर चार नंबर में सवाल बन सकता है और इजी सवाल है। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला टॉपिक क्या आता है, वेंचर कैपिटल। अब देखो जैसे बच्चों एंजल इन्वेस्टर के पास हम किसके पास गए थे, बड़े लोगों के पास गए थे, और वेंचर कैपिटल में जाते हैं बड़ी कंपनीज के पास आते हैं। ध्यान रखना डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर, एक मेजर डिफरेंस क्या है, एंजल इन्वेस्टर इंसान होते हैं, वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो देखो क्या दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इनके पास मैं आपको बेसिक सी फंडा बताता हूँ। हम इनके पास जाते हैं, इनको भी अपना आइडिया पिच करते हैं, इनको पसंद आता है वो आइडिया, उनको वो प्रोडक्ट पसंद आता है, तुम्हारे बिजनेस पैसा लगाते हैं, बदले में क्या ले लेते हैं, शेयर्स ले लेते हैं, मतलब ओनरशिप ले लेते हैं। क्लियर हो गया? और बाद में वही चीज करते हैं, बिजनेस बड़ा होता है और जैसे ही हम मार्केट से पैसा उठाते हैं ये बाहर निकल जाते हैं अपने शेयर्स बेच के। चलो पढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है, वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी कैपिटल प्रोवाइडेड एज अ सीड फंडिंग टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल हाई रिस्क ग्रोथ अप कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स हु लैक नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड फंड टू गिव शेप टू देयर आइडियाज। ये बड़े बड़े इनके पास पैसा होता है, इक्विटी कैपिटल होता है, ये अर्ली स्टेज कंपनी को सीड कैपिटल देते हैं। सीड कैपिटल में आपको दो मिनट पहले बताया था मैंने आपको, वही जो बिजनेस अभी चालू है बीच में से निकला है, ठीक है, जो हाई रिस्क की बिजनेस होते हैं लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनके पास दो चीजें नहीं है काम करने के लिए, क्या, ना तो उनके पास तजुर्बा है ना ही उनके पास पैसे, लेकिन हाँ उनमें इच्छा बहुत है कि हाँ कुछ नया करने की, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उनको वो एक्सपीरियंस देते हैं, वो फंड्स देते हैं जो उनके पास नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, क्योंकि हमको भी पता है बच्चों कोई भी एक ऐसा नया बिजनेस है जिसमें अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है तो उसमें पब्लिक तो भाई पैसा नहीं लगाएगी, ठीक है ना, पब्लिक पैसा नहीं लगाएगी, इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं इन कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? और बदले में क्या ले लेते हैं, छोटी सी शेयर होल्डिंग ले लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी गुड। चलो आगे क्या दे रखा है, वेंचर कैपिटल स्टार्ट कहां से हुआ था, वेंचर कैपिटल स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट से, वहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब मेन ये काम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्योंकि ये नए नए बिजनेस पैसा लगाते हैं, वो ग्रो करते हैं, तुम्हारी इकोनॉमी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है बच्चों या नहीं, पहले मेरे को बताओ ये चीज क्लियर है? ओके, अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में। देखो सबसे पहले वेंचर कैपिटल किस चीज में मदद करते हैं, किन किन को मदद करते हैं। देखो सबसे पहले आपको अर्ली स्टेज कंपनीज बनाने में मदद करते हैं, दूसरा अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो अच्छे से चल रहा है उसको एक्सपेंड करने में, रिवाइलिटाइज करने में, मतलब और बड़ा करने में आपको मदद करता है कि और कुछ भी हम नया कर सकते हो, और तीसरा मान के चलिए आपको कोई बिजनेस खरीदना है और बिजनेस खरीदने के लिए बाद आपके पास पैसे नहीं है तो आप उधार लेके वेंचर कैपिटल से पैसा लेके आप दूसरा कंपनी खरीद सकते हो, तो इसको बोला जाता है लेवरेज्ड बाय आउट। बाय आउट का मतलब होता है खरीदना किसी चलते हुए बिजनेस को, लेवरेज मतलब लोन लेके जब किसी चलते हुए बिजनेस को खरीदते हो उसको बोलते हैं लेवरेज बाय आउट। तो वेंचर कैपिटल आपको ये करने में भी मदद करता है। क्लियर हो गया कि आप चलते हुए बिजनेस को भी खरीद सकते हो उधार का पैसा लेके। क्लियर हो गया? तो ये वेंचर कैपिटल इसका काम हो सकता है, ये किसी में हेल्प करता है। अब बच्चों बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि वेंचर कैपिटलिस्ट के फीचर्स क्या है। बच्चों ध्यान रखना, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट हो चाहे या फिर आपका एंजल इन्वेस्टर हो, इसका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में तीन नंबर में मिनिमम फंसेगा ही फंसेगा, तो इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलो
अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर क्या है कि ये इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाता है नई कंपनीज को लेके। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है छोटी या मीडियम फर्म्स के लिए। इसके अलावा ये आपको पैसे के अलावा आपको बिजनेस स्किल्स भी सिखाता है। पैसा तो देगा ही लेगा, लेकिन बिजनेस स्किल्स भी सिखाएगा। इसके अंदर हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला एरिया होता है, मतलब ये ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। इट इज अ सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी। मतलब प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा है, कह सकते हो आप इसको, कि इसके अंदर आपके शेयर्स ही खरीदे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक चीज और, द वेंचर कैपिटल हैव अ कंटीन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट। मतलब ये कि सिर्फ ये पैसा नहीं देते हैं, ये साथ साथ आपके बिजनेस डिसीजन में भी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, क्योंकि ये इक्विटी लेते हैं, मतलब ओनरशिप लेते हैं। तो अगर आप कोई गलत डिसीजन ले रहे होंगे तो आगे आपको टोक देंगे सीधा कि भाई ये नहीं करना, ये करना है, ये बात समझ में आई। तो ये आपके बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। और लास्ट क्या दे रखा है, सच इंस्टीट्यूट डिस इन्वेस्ट देयर होल्डिंग ईदर टू द प्रोमोटर्स और इन द मार्केट। और जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, जब आप अपने शेयर्स मार्केट में खरीदने बेचने लग जाते हो, तो ये चुपचाप अपने शेयर्स बेच के बाहर निकल जाते हैं। इनका मेन काम क्या है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाओ, बिजनेस को बढ़ाओ, एक्सपीरियंस दो, उनकी मदद करो। जब बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो हो जाए, मार्केट में शेयर बिकने चालू हो जाए, ये चुपचाप शेयर बेचते हैं और पैसा लेके बाहर निकल जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चाहे एंजल इन्वेस्टर हो चाहे वेंचर कैपिटल, दोनों का एक ही काम है, बस डिफरेंस क्या है, वो इंसान है जिसके पास एक्सपीरियंस और पैसा है, ये कंपनीज है जिनके पास एक्सपीरियंस और पैसा है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अब बस इसकी एक वीडियो और आएगी, उसके अंदर हमारा क्लास 12 का एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आखिरी पार्ट में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।